नमस्कार, मैं हूं कविता। अनुच्छेद 35A को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत गरमाई हुई है, या फिर यूं कहें कि सूबे में बवाल मचा हुआ है। पीडीपी से बीजेपी ने अपना समर्थन क्या खींचा, गठबंधन की सरकार गिर गई और तब से लेकर अब तक राज्य में राज्यपाल शासन कायम है। लेकिन इन दिनों अनुच्छेद 35A को लेकर सूबे की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने। पार्टी अध्यक्ष और सूबे के सीएम रह चुके फारूक अब्दुल्ला बीजेपी को धमकी दे चुके हैं कि जब तक 35A को लेकर भारत सरकार अपना रुख साफ नहीं करती है, हम नगर पालिका और पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। The core group had detailed discussion about the prevailing situation of the state with particular reference to the article 35A of the constitution. It was felt that any tinkering with Article 35A would prove disastrous, not only for our state, but for the entire country. The role of the central government and the present dispensation in J&K before the Honorable Supreme Court goes clearly against the wishes and aspirations of the people of the state. They conveniently ignore that this provision was incorporated in the Constitution after thorough discussion between the then state government and government of India, and was made a part of the Delhi Agreement of 1952. The J&K National Conference will not participate in these elections unless and until government of India and the state government clears its position in this regard and takes effective steps for the protection of Article 35A In and outside the court. तो अब्दुल्ला के इस बयान से पार्टी में हलचल मच गई है, क्योंकि 8 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच जहां पंचायत चुनाव हैं, तो वहीं 1 से 4 अक्टूबर के दौरान निकाय चुनाव होने हैं। और ऐसे में अब्दुल्ला के इस फैसले ने सबको चौंका दिया है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो अब्दुल्ला के पिटने तक की बात कह दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये तो अनिवार्य है हमारे देश में कि जो सत्ता के जो विकेंद्रीकरण है, उसमें पार्लियामेंट है, फिर उसके बाद असेंबली है, उसके बाद ये पंचायत के इलेक्शंस होते हैं। तो ये थ्री टियर सिस्टम के कारण ही हमारे देश में लोकतंत्र इतने पनप के आई है। अब उसमें वो बॉयकॉट कर रहे हैं, इसमें कोई औचित्य नहीं है। आर्टिकल 35 के से क्या संबंध है? आर्टिकल 35 इनकी अस्तित्व का तो सवाल ही नहीं है। ये तो हिंदुस्तान का एकता का सवाल है। तो हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन कर रही है चुनाव, तो उसको बॉयकॉट करने की कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटाई होगी इस लोकल बॉडी इलेक्शन में, इसीलिए उन्होंने ये कहा। वैसे 35A के खिलाफ दायर याचिका पर हो रही सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी तक टाल दी है, जिसको लेकर शायद तिलमिलाई नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अब चुनाव का बहिष्कार करने की बात कह रही है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी हैं, जिन्होंने फारूक अब्दुल्ला की पोल खोल दी, ये बताकर कि आखिर वो चुनावों का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि अनुच्छेद 35A का जम्मू कश्मीर से क्या खास नाता है। आखिर क्यों जब भी सूबे में 35A को हटाने की बात आती है तो तमाम विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में खड़ी हो जाती हैं। अनुच्छेद 35A के तहत दूसरे राज्यों का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बन सकता है। इसके अलावा कई विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर को मिले हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।